ओम श्री गणेशाय नमः, जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं पाइसेस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा, यानी कि अप्रैल 22 to 30। ये एक जनरल रीडिंग है, और अगर आप पहली बार चैनल पर आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट, और देख लेते हैं कि क्या चेंजेस आ रहे हैं ओवरऑल फॉर ऑल द पाइसेस। ओके, इंट्यूशन। सो फॉलो योर इंट्यूशन, एंजल्स कहना चाह रहे हैं। सेक्सुअलिटी का कार्ड आ रहा है एंड पर्सनल रिचेज। ओके, सो अपनी इंट्यूशन को, ऑफ कोर्स स्पाइसेस आर ऑलवेज सो इंट्यूटिव, ओके, अपनी इंट्यूशन को आप फॉलो कीजिए। इट्स ग्रेट टाइम, बहुत अच्छा टाइम टू लर्न अ न्यू स्किल, कुछ नया लर्न कर सकते हैं। अपना करियर अगर आप कुछ स्विच करना चाह रहे हैं उसके लिए अच्छा टाइम है, या मनी इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा टाइम है। सेक्सुअलिटी, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप कुड फाइंड अ न्यू पैशन। तो अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, देन आई थिंक इट्स अबाउट, वो एक अट्रैक्शन जो होती है ना अपने पार्टनर की तरफ, आई थिंक वो काफ़ी बढ़ सकती है। अपॉर्चुनिटीज़ फॉर मैरिज, मैरिज के लिए अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। एंड गुड फैमिली लाइफ, ओके, तो फैमिली के लिए और मैरिज के लिए अच्छा टाइम है। बट इफ़ यू आर सिंगल, देन बी वेयर ऑफ टेम्पटेशन। अगर आप सिंगल हैं तो टेम्पटेशन से थोड़ा बच के रहिए, ओके। इट कुड लीड टू ट्रबल। तो कहते हैं ना कि आप किसी से, यू नो, अपने माइंड में कुछ आपके चल रहा है, यू आर कनेक्टिंग, यू आर टेम्प्टेड, यू आर ड्रॉन, आप किसी की तरफ ड्रॉ हो रहे हो, अट्रैक्ट हो रहे हो, और मे बी इट्स जस्ट अपने माइंड में ही ख्याल। सो उससे भी थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आई थिंक इस हफ्ते एंजल्स आपको यही कहना चाह रहे हैं। एंड अ चाइल्ड विल ऑल्सो ब्रिंग ग्रेट जॉय, चाइल्ड बर्थ, अगर आप एक्सपेक्टिंग मदर्स हैं, ऑफकोर्स चाइल्ड बर्थ, और अ गुड न्यूज़। पर्सनल रिचेस, स्मॉल सक्सेस और अ बिगर वन ऑन द वे, छोटे या बड़े सक्सेसेस, यू नो। फाइनेंसेस आपके इम्प्रूव हो सकते हैं ड्रामेटिकली, बट स्कीम्स में पैसे मत लगाइए, अदरवाइज फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए अच्छा टाइम है, ये हफ्ता अच्छा है। आई थिंक आप कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी सेल और परचेज को लेके कुछ आपके माइंड में चल रहा है, देन ऑल्सो अगेन एंजल्स कह रहे हैं कि इट्स ओके, गिव इट अ टाइम एंड इट्स अ गुड पीरियड, इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। चलिए, ये तो हो गया कि हर बात को लेके आपको अपनी इनर वॉइस को फॉलो करना है, ये एंजल्स कहना चाह रहे हैं। अब अगर बात करें आपके रिलेशनशिप सेक्टर की, रिट्रीट का कार्ड आ रहा है, सो इट्स टाइम टू डिसकनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। सेपरेशन का कार्ड आ रहा है, सो मे बी ऑफकोर्स यू आर इन अ सेपरेशन विद योर पार्टनर, आप अपने पार्टनर से सेपरेशन में चल रहे हैं, टाइम अपार्ट हो सकता है, दूरी है। एंड कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट योर सेल्फ रिस्पेक्ट, सो आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो आपको और ज़्यादा रोमांटिकली यू नो अट्रैक्टिव बनाती है। सो अगर ऐसा कुछ है, अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया, चीट, और मे बी यू आर इन अ सेपरेशन, देन एंजल्स कह रहे हैं लव योर सेल्फ, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते जाइए, ठीक है, आप सही जा रहे हैं। ओके, सो लव योर सेल्फ का कार्ड आया है, इसका मतलब ये टाइम सही है। आपके पार्टनर की तरफ से क्या मैसेज होता है, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए, ओके, आई एम वॉचिंग यू, सो दे आर कीपिंग टैब्स ऑन यू, दैट मीन्स कि वो आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, आपको महसूस कर रहे हैं, नियर और फार, कहीं दूर से या कहीं करीब से, बट दे आर ऑलवेज वॉचिंग यू, आईज ऑन यू बेबी। ओके, नाउ माय सेंसेस स्टॉप व्हेन आई सी यू, माय आईज आर फिक्स्ड ऑन यू, वही बात है, देखो। तो वो कहते हैं उनकी जो दिल की धड़कन है ना, वो वहीं रुक जाती है जब वो आपको देखते हैं। तो मे बी इट्स लाइक ऑनलाइन, कोई ऑनलाइन आपको देख रहा है, आपके ऊपर टैब्स रख रहा है, आपको यू नो दे आर वॉचिंग यू फ्रॉम फार, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। और क्या कहना चाहते हैं भाई ये पर्सन, आई जेन्युइनली लव यू, ओह माय गॉड, सो दिस पर्सन जेन्युइनली लव यू, लव्स यू। कौन है भाई ये इतना रोमांटिक पर्सन जो आपको सच्ची में प्यार करता है, बट क्योंकि आप लोग सेपरेशन में हैं तो हाउ वुड यू नो, है ना। या हो सकता है कि आपके सब्र का जो बांध है वो टूट चुका है, दैट काइंड ऑफ एनर्जी वी आर गेटिंग। सो कोई जेन्युइनली है जो आपको प्यार करता है, क्या चाहते हैं ये पर्सन आपसे, थोड़ा देखेंगे। ओ माय गॉड, चाहते क्या हैं, उन्होंने जो होप्स हैं वो सारी छोड़, मतलब दे हैव लॉस्ट
ऑल द होप, बिकॉज हो सकता है आपने उनको ब्लॉक कर दिया हो, आपने उनको बोला होगा कि चलो भाई अपने रास्ते पे, मैं अपने रास्ते पे, तो सारी जो होप्स थी ना वो उन्होंने लूज़ कर दी हैं इस टाइम पे. और व्हाट एल्स, आई विल फॉरगिव यू. अच्छा जी, तो वो ये कहना चाहते हैं कि आपको माफ़ कर देंगे, आई विल फॉरगिव यू. उनको लगता है कि अगर आप उनकी तरफ जाएँ तो वो आपको माफ़ कर देंगे. आई डोंट नो हाउ यू फील, उनको डर भी है, उनको ये पता नहीं है कि आप कैसा फील कर रहे हो. आई डोंट नो हाउ यू फील, एम आई इन योर हार्ट. वो आपसे ये भी जानना चाह रहे हैं कि क्या ये पर्सन आपसे पूछना चाह रहे हैं कि क्या मैं आपके दिल में हूँ पाइसेस. क्या आप इसका जवाब देना चाहेंगे? लेट्स फॉरगेट द पास्ट एंड बी फ्रेंड्स अगैन. तो ये एक पर्सन कहना चाह रहे हैं, पुरानी बातों को भूल जाइए, चलिए फिर से दोस्ती कर लेते हैं. क्या मुझसे दोस्ती करोगे, क्या मुझसे दोस्ती करोगे, नई नई बाहर से मिलोगे, एक अजनबी के साथ तुम चलोगे, बताओ. ओके, लंबा हो गया काफ़ी गाना. तो चलिए आउटकम क्या है देख लेते हैं फॉर दिस रिलेशनशिप. पाइसिस ने इतना वेट किया है, तो अभी क्या आउटकम है फॉर दिस वीक. सो आई थिंक इट्स अबाउट पाइसिस. मुझे ऐसा लगता है, देखिए जो सिंगल पाइसिस है ना, बी रेडी, अ न्यू कनेक्शन कैन कम इन. ठीक है, पहली बात तो मुझे ये दिखाई दे रहा है फॉर मैरिज, फॉर कमिटमेंट. आउटकम ये है दैट मे बी चांसेस आर कि कुछ पॉजिटिव आउटकम इसका हो सकता है. वी आर गेटिंग हैप्पी एनर्जी. तो पाइसिस, जितना सेल्फ वर्क आपको करना है ना, आप कीजिए. अपने आप को बस खुश रखिए और किसी के पीछे बिल्कुल मत भागिए, बिकॉज यू डिज़र्व लव. ठीक है, और जो लव आपको कोई नहीं दे सकता वो आप खुद को दीजिए. ओके, सो एक्सपेक्ट करना बंद कर दीजिए, मैं ये कहना चाहती हूँ. बी हैप्पी, आउटकम इज़ वेरी पॉजिटिव, लेकिन अगेन डिपेंड करता है टाइम. ओके, चलिए ये तो हो गई पाइसिस की बात. पाइसिस आप खुद को चुनिए. ठीक है, कोई न्यू पर्सन भी आपकी लाइफ में आ सकता है, आपका लाइफ, आपकी लाइफ का पार्ट बन सकता है. ठीक है, यू आर कमिंग इन टू सेल्फ लव, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग. अब करियर कैसा रहेगा पाइसिस का? ओ माय गॉड पाइसिस, सो आई थिंक यू आर स्ट्रगलिंग. मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है. देयर इज समथिंग, मे बी इट्स अबाउट मनी. आई वोंट से मनी लॉस, बट हाँ पैसे कहीं इधर उधर लग रहे हैं. बट ऑफकोर्स आप रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि येस, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी या फाइनेंसेस आपके इम्प्रूव हो सकते हैं. ठीक है, अगर फाइनेंसेस धीरे धीरे आपके इम्प्रूव हो सकते हैं, तो घबराइए मत, पेशेंस रखिए. अगर कुछ नुकसान हुआ है या कोई आपको ऐसा लग रहा है खतरा है, और वट एवर, यू विल रिकवर, यू विल रिकवर. पेशेंस रखिए पाइसिस, पेशेंस. फाइनेंशियली इट्स विल बी गुड, और मे बी इट्स अबाउट एन अपॉर्चुनिटी एज वेल, जो अपॉर्चुनिटी जल्दी ही आपकी तरफ आ भी सकती है. तो थोड़ा सा पेशेंस बंधा के रखिए. देखिए कितना अच्छा कार्ड आ रहा है यहाँ पे. अब ये कोई इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है, और मे बी इट्स अबाउट अ सिक्योर जॉब, और मे बी इट्स ऑल्सो अबाउट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, लाइक यू नो, गुड मनी. तो थोड़ा सा आपको टाइम देना होगा लेटर दिस वीक, और जैसे जैसे हफ्ता आगे बढ़ रहा है तो पाइसिस आपको फाइनेंशियल प्रॉफिट हो सकते हैं. एंजल्स तो ये कहना चाह रहे हैं कि ड्रामेटिकली इम्प्रूव हो सकते हैं, तो ये अच्छी बात है. ठीक है, चलिए. What you need to work upon, ये angels कहना चाह रहे हैं. Success, I know that there is no greater goal than to love. Wow. तो do whatever, do out of love. Angels आपको कहना चाहते हैं, Pisces means compassion, means love. Okay. So आप चाह के भी आप अपना वो nature नहीं बदल सकते. So love yourself. ठीक है, एंड यू विल अट्रैक्ट लव इन टू योर लाइफ. ये बहुत ज़रूरी है. सक्सेस का मेजरमेंट क्या है? एंजल्स कह रहे हैं सक्सेस इज ऑल अबाउट, मतलब देर इज़ नो ग्रेटर गोल देन लव एंड टू बी लव्ड. ठीक है ना, कि आप प्यार दें, आप प्यार लें, इससे ऊपर कुछ नहीं है. तो वो एनर्जी इसमें रहना बहुत ज़रूरी है. फेलियर तो क्या हो गया, अगर आप एक बार फेल हो गए तो क्या हो गया, कि अगर किसी ने आपका दिल दुखा दिया, वो उनका कर्मा है, आपका नहीं है पाइसिस. ठीक है, यू डिज़र्व टू बी लव्ड एंड यू आर लविंग पर्सन. ठीक है, तो अगर क्या हुआ, आई अंडरस्टैंड, एंजल्स कह रहे हैं आई अंडरस्टैंड दैट मिस्टेक इज ओनली एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न. अगर आप मिस्टेक नहीं करेंगे तो कैसे सीखेंगे कि अगली बार आपको ये नहीं करना है? हाउ विल यू लर्न? इंसान सीखता है तो किससे सीखता है? मिस्टेक करके ही सीखता है. ठीक है, अगर आपने किसी को मौका दिया, उन्होंने आपको धोखा दिया, तो इसमें आपकी क्या गलती है? आपकी तो कोई गलती नहीं है. ठीक है, आप
को भगवान ने ऐसा बनाया है, यू आर लविंग, यू आर टेंडर, यू आर केयरिंग, ओके. सो बट प्यार करना मत छोड़िए और बी इन दैट लव एनर्जी, ठीक है ना. यू हैव इमेंस लव. और दूसरी बात हैप्पीनेस. देखिए सो मैनी फिशेस स्विमिंग इन वाटर, दिस इज यू पाइसेस. हैप्पीनेस, आई एम अवेयर दैट बींग हैप्पी मीन्स दैट आई एम ऑन द राइट पाथ. सो अगर आप खुश हैं, अगर आप खुश फील कर रहे हैं, ऑफकोर्स, तो आई थिंक इससे बड़ी कोई और अच्छी चीज़ नहीं है और आप राइट पाथ पे हैं. तो बिल्कुल आपका हक बनता है टू स्टे हैप्पी. डू वट मेक्स यू हैप्पी, ठीक है ना. जो चीज़ आपको खुश करती है, अपार्ट फ्रॉम पीपल जो आपकी लाइफ से चले गए हैं, जिन्होंने आपको धोखा दिया है, आपको किस किस चीज़ में खुशी मिलती है अंतर मन से, डीपली, यू नो, तो वो चीज़ कीजिए. तो ये कुछ चीज़ें हैं. एक और हम ज़रूर बांट लेंगे फॉर अवर लवली लवली पाइसेस पीपल और पूछ लेते हैं कि एंजल्स क्या कहना चाहते हैं. April 22 to 30. Oh my God, abundance is coming. Be ready, angels are telling कि abundance आ रही है, दरवाज़ा खुल रहा है. Number 11, 11, 11, 11, ये number हो सकता है. 11, 111, you know, या 11, 11, ये number आपको दिखता होगा. Cornucopia, good health is coming towards you. Health, wealth, prosperity, transformation, lot of sunlight we are getting. अच्छा time दिखाई दे रहा है, positive time दिखाई दे रहा है आपके लिए. And my goodness, Pisces, आप बहुत ऐसा लगता है कि एक तूफान में से निकल के आए हैं. अब वो इमोशनल हो सकता है, रोलर कोस्टर या एनीथिंग, बट हो गया ना, निकल गया, पीछे चला गया. थैंक्स टू गॉड, थैंक यू गॉड, ठीक है. अब भगवान को ग्रैटिट्यूड पे कीजिए. और मेरी चाय भी रेडी हो रही है भैया, तो यहाँ पे मैं रीडिंग को स्टॉप करूँगी और आपको गुड विशेस दूँगी पाइसिस कि आप हैप्पी रहिए, कंटेंट रहिए और आई थिंक सक्सेस आपकी तरफ आ रही है. बस अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते जाइए. सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल. आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो. डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन इफ़ यू लाइक द वीडियो, ऑफ कोर्स. सो टेक केयर.